और इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 24 जनवरी 2024। आज की मुरली के सार में बाबा ने पावन सतो प्रधान बनने की विधि बताते हुए कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा भाई भाई को देखते हैं, जैसे बाप आत्मा बच्चों को देखते हैं ऐसे बच्चों को भी आत्मा भाई को देखना है, पहले यह आत्मिक दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। साथ में कहा, यह नंबर वन सब्जेक्ट है, इसमें देवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे, कर्म इंद्रिया चलायमान देह अभिमान में आने से होती है। फिर कहा, संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। फिर सेवा के लिए कहा कि तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इनकी सतयुगी दुनिया में था, 111 से सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी। फिर विशेष कहा कि ईश्वरीय महावाक्य सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने का हकदार बनते हो। और साथ में कहा कि यह बैज भी तुम्हारा बहुत काम कर सकता है, यह सबसे अच्छा है, पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। और नशा दिलाते हुए कहा कि यहाँ अंदर बाबा के घर में आने से ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ, ओहो बाबा हमको यह बनाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्य को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाबा की याद रहेंगी, आत्मा सतोप्रधान बन जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, मनुष्य को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है, शांति कैसे होती है, विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरा है, बाप और लक्ष्य लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ, बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। आज बाबा ने वरदान दिया, धरनी नबस और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरनी नबस और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है, यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी नबस और समय सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नबस देखो, धरनी को बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता के शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा ने सत्य ज्ञान को देने के लिए नॉलेजफुल बनने के लिए कहा और साथ में सामने वाली आत्मा की धरनी अर्थात भावनाओं को, नबस को और समय को देखकर सत्य ज्ञान देना है। अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो, तब सामने वाली आत्मा यथार्थ सत्य को समझ पाएंगी। आज का स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा बनाना, तेरा कहना मना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना।
मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना मना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। आज का विशेष पुरुषार्थ है अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने कहा जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूँ बहुत जिम्मेवारी है, यह करूँ व नहीं यह तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। बाबा कहते हैं डबल लाइट फरिश्ता अर्थात क्या, जिम्मेवारी के बोझ से भी न्यारे बनना, क्या करूँ कैसे करूँ नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।